ये जो मेरे आगे आगे काफिला चल रहा है भीड़ के जस्ट बराबर में, ये हमारे मुरादाबाद की, हमारे मुरादाबाद क्षेत्र की सांसद हैं, जिनका नाम है रुचि वीरा मैडम। और इन्हीं की वजह से आज मेरी रामलीला ग्राउंड में एंट्री हुई थी। अमान सिद्दीकी भाई जो हैं वो इनके साथ में फ़िलहाल रहते हैं, तो बाकी आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज कोई इंट्रो होने वाला नहीं है भाई, तुम्हें इंट्रो की पड़ी है। और यहाँ रावण की हवा ख़राब है, तो आइए दिखाते हैं आपको मुरादाबाद का दशहरा मेला और रावण दहन। जैसे ही हम अपने कदमों को मेले के परिसर में रखते हैं भाई, तो काले काले सिर दिखाई देते हैं बस, और कुछ नहीं नज़र आता। मतलब भीड़ ही भीड़ हर तरफ, जहाँ भी आप देखोगे, जहाँ भी नज़र उठाओगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको भीड़ मिलेगी। और बस इस भीड़ को संभाल रखा था उत्तर प्रदेश पुलिस ने भाई, लिटरली उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही गजब थी। और इस बार बहुत ख़तरनाक सीन हुआ, वो मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, सनी भाई बताएंगे, मतलब मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन रुचि वीरा मैडम के साथ थे हम, तो सभी लोगों से मिल रही थी वो, फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रही थी और पुष्प वर्षा भी कर रही थी। बाकी झांकियां मुरादाबाद की बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती हैं, आपको पता ही है, हर साल खतरनाक सीन रहता है। काफिला आगे आगे बढ़ रहा था, एक 360 व्यू लेना होता है, 360 घूमना होता है, पूरा राउंड लेना होता है रामलीला ग्राउंड का। तो वो परंपरा चलती आ रही है पहले से, तो वो सभी लोग आके करते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं आके मिलते हैं, चाहे वो हमारे सांसद हों या चाहे हमारे विधायक साहब हों, जो भी आता है यहाँ पे सब लोगों से मिलते हैं। और रुचि वीरा मैडम की तो बात ही निराली है भाई, लिटरली काफ़ी हम्बल इंसान है। मैं पर्सनली मिला तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने नज़दीक से देखा भी, और मैं पर्सनली मिलूँगा भी। मैं विधायक साहब से मिल चुका हूँ, लेकिन इनसे मैं अभी नहीं मिला हूँ, मतलब पर्सनली नहीं मिला हूँ। तो बाकी सीन्स बहुत प्यारे हैं, मुरादाबाद की झांकी बहुत ही प्यारी होती हैं, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो भाई बहुत ही प्यारी शूट हुई है, मतलब झांकियों की वीडियो बहुत प्यारी शूट हुई है। बाकी यहाँ पे कुछ मतलब दिखाने वाला हूँ मैं अभी, हमारे दीपक भाई भी छुप छुप के देखने आए थे, चलो भाभी से बताऊँगा मैं घर जाके। अच्छा, भाभी के भैया भी हैं, क्या बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, अमान भाई आ गए हैं अब। तो हम आए थे रामलीला ग्राउंड में, आज है दशहरा और अमान भाई मिले भाई, कोई नहीं मिला भाई, मिले या नहीं मिला अमान भाई मिलेंगे, इतनी भीड़ में अमान भाई मिले, बाकी तो और इंसान तो गायब है, बिल्कुल सभी गायब है फिलहाल, और बाकी देखते क्या होता है, मजा ही आएगा भाई, बेकार में मजा आना ही। भाई लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है भी, आप देख सकते हो। बाकी रावण में आग लगने वाली है भाई, रावण दहन होने वाला है, बाकी पुलिस फोर्स अथा है यहाँ पे। क्या हाल है सूर्यांश भाई, नंबर नहीं लग रहा, अरे नंबर मैंने बंद कर लिया, मैंने नंबर बंद कर लिया, बहुत देर से मैंने आपको रावण नहीं दिखाया था भाई, मैं अभी पहुंचा हूं ना, इसलिए देख लो। होते हुए क्या बात, कुछ ही देर की बात है, बस कुछ ही पलों की बात है, सूर्यांश भाई भी अपने फॉर्म में आते हुए मुरादाबाद ब्लॉगर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, yeah।
भाई भीड़ बहुत खतरनाक है, आप देख सकते हो। और बस कुछ ही सेकंडों में ये भीड़ आने वाली है इस तरफ। तो अभी फायर ब्रिगेड जो है वो पानी से आग बुझा रही है भाई, चिता बुझा रही है। बहुत खतरनाक तो फिलहाल सनी भाई हमारे साथ में, और रावण दहन तो हो चुका है बिल्कुल, बिल्कुल हो चुका। लेकिन एक बहुत बहुत अनोखी सी चीज थी आज जो एसपी सिटी साहब ने करी है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत करी है। सबसे अच्छी चीज ये रही है कि हर बार ना कि रावण दहन होता है और एकदम पब्लिक अंदर से भाग जाती है भाई, तो अब की बार मैंने देखा कि एक भी पब्लिक अंदर नहीं आई, मतलब एक भी बंदा अंदर नहीं आया। बहुत अच्छा कंट्रोल रखा है, बहुत अच्छा रखा है, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन लोगों ने इस बार की शायद इनके डंडे से डर गए हो। जिस तरीके से भी परफॉर्मेंस दिया है अब हमें नहीं पता, बहुत मेहनत करी है चीज़ के ऊपर की, अब क्या सख्त प्रशासन रहा है बिल्कुल, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमारी एलईडी वॉल कैसी रही? हमारी एलईडी वॉल अब की बार थोड़ी नॉर्मल हो रही है, थोड़ा सा लॉस में हूँ मैं अच्छा। इस बार, लेकिन अगली बार मैं इतनी मेहनत करूँगा कि विकास भाई भी मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे। मैंने तो वीडियो भी डाला था लेकिन चलो कोई नहीं हो पाया उस तरीके से, तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। पहली बार कर रहा था, थोड़ा लॉस में है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और अगली बार बहुत अच्छा करूंगा, बहुत बढ़िया करूंगा। और 19 दिन बहुत मेहनत करी हम लोगों ने यहाँ पर रहकर, 19 दिन यहाँ पे लगातार हमारे रात में रोज 2 बजे जाते थे और सुबह को उठने का टाइम, फिर जॉब ये वो बहुत सारी चीजें, तो बहुत मेहनत करिए, अगली बार और से डबल मेहनत करेंगे और उसको भी जिसको बढ़ाएंगे, विकास भाई हमारे साथ ही रहेंगे बिल्कुल साथ है यार, हम तो हमेशा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों पे, उन लोगों के पास, उन लोगों के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे जो यहाँ नहीं आ पाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय टेक केयर एंड लव यू ऑल, प्यार बनाए। और एक बात और, सब्सक्राइब करना मत भूलना जल्दी से यार, 50-60 के कराओ, 1,00,000 कराओ, तो जल्दी कराओ फटाफट, क्यों 20-25-30 के पे रोक रखा भाई, जल्दी करा दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई रामलोन के अंदर आके वीडियो बना रहे हैं, इतनी भीड़ होती है, सब कुछ होता है भाई, सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो।